हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों इस वक्त हम खड़े हैं हमारे मुहाना मंडी के गेट नंबर 4 के पास में। दोस्तों आपको उधर दिख रहा होगा गेट नंबर 4, मेरे पीछे गेट नंबर 3, उधर सामने गेट नंबर 2 और इधर के एरिया में गेट नंबर 1 जो आपने स्टार्टिंग में देख लिया होगा। दोस्तों तो चलो दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं बताने वाला हूँ आपको टाउनशिप, जो ये टाउनशिप है वरदान एम्पायर की तरफ से मैं लेके आया हूँ। तो चलो दोस्तों बात करते हैं अपने मुहाना मंडी के बारे में। मुहाना मंडी लगभग दोस्तों एशिया की, अपने भारत की नहीं बल्कि एशिया की भी सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है। दोस्तों इस मंडी में दोस्तों डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से 1 से 1.5 लाख लोगों को, बेरोजगारों को यहाँ पर रोजगार मिल रहा है। दोस्तों मुहाना मंडी है लगभग 848 बीघा में फैली हुई है। दोस्तों 848 से लगभग 858 बीघा में फैली हुई है। और मैं आपको बता दूं ये इस मंडी में लगभग 1200 से भी ज्यादा दुकानें बनी हुई है, छोटी और बड़ी दोनों मिलाकर। और साथ ही बता दूं इस मंडी में आपको टोटल 5 ब्लॉक देखने को मिलेंगे, जिसमें मैं आपको जैसे कि सब्जी मंडी हुई, फल मंडी हुई, फूल मंडी हुई, अनाज मंडी हुई और साथ ही मसाला मंडी हुई। दोस्तों तो यहाँ से अपनी टाउनशिप में ज्यादा दूरी नहीं है, यहाँ से लगभग अपने टाउनशिप में 10 मिनट की दूरी पे अपनी टाउनशिप आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों मैं आपको टाउनशिप का नाम बता दूं हाईटेक सिटी, और इस हाईटेक सिटी को लॉन्च करने वाली अपने वरदान एम्पायर, जिसको दोस्तों अपने मतलब साइन ऑफ ग्रोथ और सक्सेस का रियल नाम है दोस्तों वरदान एम्पायर, जो आपको कभी भी धोखा नहीं दे सकता। आपको एग्जैक्ट लोकेशन पर, एग्जैक्ट मतलब ऐसी जगह पर आपको प्लॉट वगैरह दिलाएंगे जहाँ पर आने वाले 1 से 2 साल में ही आपके प्लॉट ग्रो करेंगे। आपकी मतलब लगाई हुई जो पूंजी है या जो आपने पैसे लगाए वो आने वाले 1 से 2 साल में वो ग्रो करेंगे दोस्तों, जिसमें आपके डबल होने के चांस रहते हैं। और अपने जो वरदान एम्पायर है अपने मान्यावास में अपना ऑफिस है, ऑफिस की मैं आपको डायरेक्शन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। मतलब ऑफिस की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आके एक बार विजिट कीजिएगा। और अपने टाउनशिप को भी देखना ना भूले दोस्तों। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये मुहाना मंडी मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा नेवटा डैम, और नेवटा डैम से पहले जो सेंट्रल पार्क आता है इसके बारे में, और महिंद्रा सेज के बारे में जो मेरा पहला वाला वीडियो था दोस्तों, जिसमें आप जरूर देखना ना भूले। पहले वाले वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा दोस्तों। तो चलो दोस्तों वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस समय है हमें रिंग रोड के ऊपर, आप देख सकते हो मेरे पीछे जो आपको इतना बड़ा हाईवे दिख रहा है, अपने रिंग रोड है। दोस्तों मैं आपको रिंग रोड के बारे में बता दूँ, ये प्रोजेक्ट अपने के आकार में बना हुआ है। ये इसकी लंबाई लगभग 147 किलोमीटर है दोस्तों, जिसमें से 47 किलोमीटर अभी रनिंग में है और लगभग 100 किलोमीटर इसका प्रोजेक्ट अभी प्रोसेस में चल रहा है, यानी वर्किंग प्रोसेस में दोस्तों। अब इन फ्यूचर मैं आपको बता दूं, इसके पैरेलल आपको रिंग रेलवे का भी प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा दोस्तों, जो लगभग इसका बजट पास हो चुका है और डिमार्केशन इसकी हो चुकी है रेलवे प्रोजेक्ट। साथ ही मैं दोस्तों आपको बता दूँ कि जो अपना जो रिंग रोड है वह कम्प्लीट मतलब 1200 फीट चौड़ा है दोस्तों, और ये भारत का ऐसा एकमात्र हाईवे है जिसके दोनों साइड आपको कॉमर्शियल कॉरिडोर देखने को मिलेंगे। कॉमर्शियल कॉरिडोर मतलब आपको जहाँ पर नॉन पॉल्यूशन जैसे कि स्कूल वगैरह हुई या कॉलेज, हॉस्पिटल, ऐसे ही बहुत सी मतलब वेयर हाउस मतलब नॉन पॉल्यूशन वाली चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। हमें आपको बता दूँ दोस्तों ये रिंग रोड का नज़ारा है, यहाँ से अपने टाउनशिप है लगभग 5 मिनट की दूरी पर दोस्तों, 5 मिनट की दूरी पर अपनी हाईटेक सिटी है। साथ ही दोस्तों ये जितना खूबसूरत आपको लग रहा है वीडियो के अंदर, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत अगर आप आपको से देखोगे तो नहीं। यहाँ से दोस्तों अपने टाउन से मात्र 3 मिनट की दूरी पर दोस्तों, और मैं आपको बताऊँ आप ये जो एरिया देख रहे हो ये एरिया इस एरिया को हल्के होता है दोस्तों, क्योंकि इस एरिया में आपको इससे बढ़कर एक प्राचीन चीजें मिलेगी। यहाँ पर आपको सबसे पुराना मंदिर 300 साल पुराना वह अवतार जी का मंदिर देखने को मिलेगा, जो अपने भारत में केवल 2 ही मंदिर है, एक अपने नेवटा गांव में जयपुर में राजस्थान और एक अपने ओडिशा के दोस्तों। साथ यहाँ पर आपको जैन मंदिर देखने को मिलेगा, और जो आप उधर की साइड देख सकते हो वह है दोस्तों एसटी जेवियर्स कॉलेज व स्कूल दोस्तों, और जो आप ये मेरे पीछे देख रहे हो
और सारे दोस्तों आप ये मेरे पीछे देख रहे हो, ये है न्योटा लेक। तो दोस्तों इस तरह से डेवलप किया जा रहा है, जैसे कि आपने सुना होगा सुकुना लेक, सुकुना लेक को जैसे कि जैसे टू कॉपीज को डेवलप किया जा रहा है। दोस्तों भारत सरकार की तरफ से यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए बजट पास हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पर टायर वाली रोड बन चुकी है, लाइट वगैरह का सिस्टम हो गया है, पार्किंग की सुविधा हो गई है दोस्तों। साथ ही यहाँ पर आपको एक बहुत ही प्राचीन मंदिर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आने वाले समय में दोस्तों आप फिशिंग कर सकते हो, बोटिंग कर सकते हो। उसके दोस्तों इसको टूरिस्ट हब की तरह डेवलप किया जा रहा है दोस्तों। ये न्योटा डैम काफ़ी प्रसिद्ध है और यहाँ से अपने टाउन से ज़्यादा दूर नहीं है, 3 मिनट की दूरी पर दोस्तों। तो देख लो इतने डेवलपमेंट एरिया के पास में अपने टाउन से वो भी कम बजट के अंदर। हो सकता है कि दोस्तों और ज़रूर हो सकता है अपन लेके आए वरदान एम्पायर, लेके आए दोस्तों वरदान एम्पायर। साथ ही दोस्तों यहाँ से आपको वो दिख रहा होगा, यहाँ से गाड़ियाँ जाती हुई दिख रही होगी, वह अपनी रिंग रोड है दोस्तों। अब देख सकते हो एक टाउनशिप के आसपास में कितनी डेवलपमेंट चीज़ें हैं दोस्तों, जैसे कि अपने न्योटा डैम हुआ, महिंद्रा वर्ल्ड सीज हुआ जो लगभग दोस्तों 3,000 एकड़ में फैला हुआ है, वो दोस्तों लगभग 1200 फीट चौड़ा है दोस्तों। और अभी रिंग रोड के बारे में मैंने इससे पहले बताया दिया था आपको। साथ ही अपने जो ये एरिया देख रहे हो, ये कम से कम ये जो पानी है वह अपने यहाँ से लेकर कम से कम सांगानेर से भी आगे जा रहा है, और इस पानी के जरिए अपने गाँव में नहरों के द्वारा पानी पहुँचाया जा रहा है दोस्तों। तो ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो दोस्तों, चलते अपने टाउनशिप की तरफ। धन्यवाद दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, मैं जिस टाउनशिप की बात कर रहा था दोस्तों, वह अपने कंप्लीट 46 बीघा के टाउनशिप में ये है दोस्तों। इसमें आपको मैं बता दूं, जो वो जेसीबी वहाँ पर वर्क कर रही है उस एरिया में आपको 6 बीघा में फार्म हाउस देखने को मिलेंगे। साथ ही दोस्तों जो अपनी ये कंप्लीट टाउनशिप आप देख सकते हो मेरे पीछे, और ये पूरा जो एरिया है इस एरिया में दोस्तों आपको 40 बीघा में प्लॉटिंग देखने को मिलेगी दोस्तों। तो ये दोस्तों अपने रिंग रोड सुना हुआ, अपने रिंग रोड हुआ, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी हुआ, न्योटा डैम हुआ, इसके पास में है दोस्तों। यहाँ से लगभग अपने टाउनशिप से 5 मिनट की दूरी पे अपने महिंद्रा वर्ल्ड सिटी है, जिसके महिंद्रा वर्ल्ड सिटी के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों कितना डेवलप हो रहा है। यानी कि ये मतलब जो अपने महिंद्रा वर्ल्ड सिटी के बारे में आपको जानना है, तो जो इससे पहले वाला मेरा जो वीडियो है उसको दोस्तों कंप्लीट देख लीजिएगा। वीडियो की लिंक मैं आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही दोस्तों अपने जो टाउनशिप है एंट्रेंस गेट है वो 100 फीट रोड पे है दोस्तों। तो अपने टाउनशिप के आगे भी आप जो उधर एरिया देख रहे हो वहाँ पे 100 फीट रोड है, अपने मात्र पीछे इधर के साइड में 100 फीट का रोड है, और यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पे 200 फीट का सेक्टर रोड है, हाईवे निकल रहा है जो अपने रिंग रोड को इससे डिग्गी रोड से कनेक्ट कर रहा है दोस्तों। तो अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हो या इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे हो, तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको मात्र 2 साल में आपकी इनकम का 50% रिटर्न हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों बिना देर के अपने जो आपको ऊपर जो नंबर दिख रहे हैं उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। साथ ही अपने वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि अपना जो मोहना मंडी है वो कितना डेवलपमेंट हो चुका है, उसके अलावा अपने जो मोहना मंडी से थोड़ा सा आगे आपको रिंग रोड देखने को मिलेगा, रिंग रोड के बारे में मैंने आपको बताया था दोस्तों। न्योटा डैम हुआ, न्योटा डैम को दोस्तों कितना डेवलप कर दिया है अभी, आपने देखा होगा अभी वीडियो के पहले। तो दोस्तों जो अपनी ये टाउनशिप है हाईटेक सिटी नाम से, और ये अपने महिंद्रा से 5 मिनट की दूरी पे है, और न्योटा गांव से 3 मिनट की दूरी पे है, और अपने रिंग रोड से मात्र 5 मिनट की दूरी पे है दोस्तों। तो इतनी क्लोज में इतना डेवलपमेंट, और हम वह भी सर साथ में कम्प्लीट डेवलप करके दे रहे हैं, जैसे कि CCTV कैमरा, टाइल वाली रोड, सिक्योरिटी गार्ड, उसके अलावा अपने जैसे कि पानी की सुविधा हुई, लाइट की सुविधा हुई, यानी मूलभूत सुविधाएं कम्प्लीट करके दे रहे हैं दोस्तों, पूरा डेवलप करके देंगे। और अपने प्लॉटिंग के साइज में आपको बता दूं, 111 गज से अपना प्लॉट स्टार्ट है, और मैक्सिमम दोस्तों अपन 500 गज तक ले सकते हैं दोस्तों। और फार्म हाउस का मैं बता दूं दोस्तों, फार्म हाउस 300 गज से स्टार्ट है और मैक्सिमम 1500 गज तक अवेलेबल है। साथ ही दोस्तों अधिक जानकारी के लिए, अधिक नॉलेज के लिए ऊपर दिए गए नंबरों पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो में बने रही है दोस्तों, मैं आपके लिए जयपुर में कम दाम में कम बेस्ट लोकेशन, मतलब जो जहाँ पर लोकेशन अभी 2-3 साल में डेवलप हो जाएगी, जहाँ पर लोग बसने लगेंगे, ऐसे ऐसे वीडियो लेके आऊंगा दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। धन्यवाद, ऐसे ही वीडियो में बने रहे, शुक्रिया दोस्तों।